नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत दिलाने वाले उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद घाटी में हो रहे इलेक्शन का हिस्सा रहे। लेकिन क्या आपको पता है कि उमर अब्दुल्ला की टोटल नेटवर्थ क्या है, कितनी प्रॉपर्टी उनके पास है और राजनीति के अलावा वो कौन से बिजनेस रन कर रहे हैं? ये तमाम सवाल अमूमन लोगों के मन में जरूर कूद रहे होंगे, तो इसीलिए हम बात करेंगे उमर अब्दुल्ला की संपत्ति के बारे में। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। साल था 2009 से 2015 का। उस दौरान उमर अब्दुल्ला राज्य के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने दो सीटों गंधरबल और बदगाम से विधानसभा चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के दौरान उन्होंने एक हल्फनामा सबमिट किया था। उस हल्फनामे के मुताबिक उनकी नेटवर्थ कश्मीर के तमाम दिग्गज नेताओं में सबसे ज़्यादा कम है। मतलब ना तो उनके पास खुद के नाम कोई घर है और ना ही गाड़ी, साथ ही वो किसी दूसरे बिजनेस में भी इन्वॉल्व नहीं है। आगे चलने से पहले आपको ये भी बता दूं कि हल्फनामा आखिर होता क्या है। तो आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसे आप शपथ पत्र कह सकते हैं, जिसका इस्तेमाल किसी भी प्रतिज्ञा को लेने के लिए किया जाता है। यहाँ तक कि इसका इस्तेमाल अक्सर सबूत के तौर पर भी किया जाता है। तो वापस मुद्दे पर आते हैं। अब जिन लोगों को उमर अब्दुल्ला की ये सच्चाई पता है तो उनके दिमाग में सवाल ये भी आता है कि इतनी टाइट फाइनेंशियल सिचुएशन में उनका खर्च कैसे चलता है। दरअसल चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अपने हल्फनामे में बताया था कि उनके पास टोटल 54,45,000 रुपए हैं, लेकिन कैश उनके पास सिर्फ 95,000 रुपए हैं। बाकी उन्होंने अलग अलग बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पर जमा किया हुआ है। और अगर मैं इसमें भी इनडेप्थ जाने की कोशिश करूं और अगर बात करूं तो ये अलग अलग बैंक्स में 19,16,000, 21,373, 2,20,930 और 1,91,745 रुपए के आसपास है जो इनके अलग अलग बैंकों में जमा है। और इसके अलावा उनके पास 30,00,000 रुपए के जेवर भी हैं। उमर अब्दुल्ला ने हल्फनामों में साफ लिखा है कि उनके पास कोई मकान नहीं है और ना ही कोई जमीन जिसका इस्तेमाल वो खेती या फिर कंस्ट्रक्शन के काम में कमर्शियल बिल्डिंग बनाने के लिए कर सके। और जब बात उनके पास पैसे के आने की होती है तो वो इसका सबसे बड़ा सोर्स विधायक और सांसद के तौर पर मिलने वाली उनकी पेंशन को बताते हैं, जो सालाना करीब 7,92,000 रुपए से लेकर 19,39,000 रुपए है। तो अब ऐसे में एक सवाल और बनता है कि उनकी तुलना में कश्मीर के दूसरे नेताओं के पास कितना पैसा है। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है सज्जाद गनी का, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं और 19 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक, और गनी हर साल 42,00,000 रुपए कमाते हैं। अगला नाम है अल्ताफ बुखारी का, जिन्हें इस चुनाव में सबसे ज्यादा अमीर माना जा रहा है। अल्ताफ अपनी पार्टी के नेता हैं, जी हाँ, उनकी पार्टी का नाम है अपनी पार्टी, और हल्फनामे के मुताबिक उनकी टोटल प्रॉपर्टी 165 करोड़ रुपए है। 54 साल की उमर अब्दुल्ला का जन्म इंग्लैंड में हुआ। नाते रिश्ते जम्मू कश्मीर के जाने माने अब्दुल्ला परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके दादा शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री थे और पिता फारूक अब्दुल्ला भी राज्य के मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। हालांकि उनकी पढ़ाई लिखाई तो श्रीनगर, मुंबई और स्कॉटलैंड में हुई। स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेथक्लाइड से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन किया। इसके पहले वो कॉमर्स में भी बैचलर्स डिग्री हासिल कर चुके हैं। अब क्योंकि परिवार का बैकग्राउंड सियासी रहा है, इसीलिए उनकी सियासी पारी की शुरुआत 1998 लोकसभा में चुनाव के साथ हो गई थी। उस वक्त वो केवल 28 साल के थे और लोकसभा सदस्य बन गए। उन्होंने कॉमर्स और इंडस्ट्री राज्य मंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार में काम किया। 2002 में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर यूनिट के अध्यक्ष बने। इसके बाद वो 2009 से 2015 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। हालांकि उनकी शादी भी 1994 में पायल नाथ से हुई, जो एक रिटायर्ड सेना अधिकारी की बेटी है। और बड़ी बात यह है कि ये शादी काफ़ी चर्चित शादी रही थी, जी हाँ। लेकिन अब 2009 से ये अपनी वाइफ से अलग रह रहे हैं। उमर अब अपनी मौजूदा बीवी से तलाक का मुकदमा लड़ रहे हैं। इस तलाक में उन्हें कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और तो और उन्होंने अपनी छोटी बहन सारा अब्दुल्ला की शादी कांग्रेस नेता सचिन पायलट से की थी, लेकिन अब उनका भी तलाक हो चुका है। तो ये थी कहानी उमर अब्दुल्ला की। आप इनके बारे में और क्या जानते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी।